तो धन्य भागवत वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत के श्लोक कहते हैं कि जो भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है वो ठाकुर जी के धाम को पा जाता है भाव पूर्वक। लेकिन अब सुनने के नियम बताए, जो कथा श्रोता हो वो 7 दिन तक आहार कम करें, हो सके तो फलाहार करें, 1 टाइम फलाहार। लेकिन किसी को बीमारी बीमारी है तो खाओ, इतना खाओ कि ज्यादा मत खा लो कि कथा के बीच में ही विघ्न बन जाए। कम पाओ, कम आहार, इसीलिए स्वल्पाहार की चर्चा भागवत में आई। भोजनम तुम ब्रह्मण्य कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। भागवत के महात्म के 6वें अध्याय का 43वां श्लोक इसमें ऐसा वर्णन, हम नहीं कह रहे, भागवत कह रहे, इतना खाओ कि अजीर्ण ना हो जाए, कि बीच ही में भगवे पड़े, कम पाओ। हाँ, लेकिन कोशिश करो कि फलाहार रहो। जितने जजमान बैठे कछु तो 2 ही टाइम पनीर तान रहे होते हैं। अच्छा, जजमान भी कई प्रकार के होते हैं, यजमान हमने कल बताए अनेक प्रकार के। एक जजमान ऐसो हतो के बैनर लगाओ तो हमारा अपनी फोटो भारी बड़ी हमारी चिड़ैया बराबर इतनी सी। हम जब उस शहर में कथा करवे गए, हमने कही जाओ और मिटा देते हैं, हम तो उसे चिड़ैया से इतना तो हमारा चंदन ही है जितनी फोटो लगवाए, और वो अपनी सो बड़ी बड़ी। हमने कहा आगे के लगे ते ही वक्ता बन जा, हमें कहीं लगवाए। यजमान भी अनेक प्रकार के होते हैं, श्रोता असली नकली दकली फसली, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होत सोता, कथा में आओ तनी आंखें बंद, इन्हें कहो जात सोता। हाँ, एक होत सरोता, जे आओ चूना ले कतना दियो चूना, आयो पान डाले का बना और सुलाओ। हाँ, एक जे सरोता है वो भी खाते हैं, ये घर से इतना ही यहां चलत कथा। तीसरे जो होते हैं, तीसरे प्रकार का श्रोता बड़ा खतरनाक, तीसरे प्रकार का श्रोता घर से कुछ नहीं पहन कर आता, यहां से बिना लिए जाते ही नहीं है। खाली हाथ नहीं जाता है, VIP को देखे ही रात दरवाजे पे, जी 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 ठीक है। चौथा श्रोता बढ़िया आता है, उसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ कथा से मतलब, बोलो वृंदावन बिहारी। तो जो 4वें नंबर का श्रोता है वो बढ़िया होता है, बाकी ज्यादातर तो 1, 2, 3 में ही बोल्ड आउट हो जाते हैं। तो कथा श्रोता के नियम हैं, 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर कथा सुने, कथा की आरती के पहले आ जाएं, आरती के बाद जाएं, कथा के बीच में ही गुरु मंत्र अथवा 12 अक्षर मंत्र का जाप करें, कथा श्रोता को प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए और भारतीय परिधान वेशभूषा को धारण करना चाहिए। कई तो यहां से जजमाने में जींस को पैंट पहने वो भी फटो, आजकल जो और नौ फैशन चलो जो फटो पैंट पहने वो बड़ो आदमी, हमारे जमाने में फटो पजामा पहन लेते आदमी पूछना तो गरीब को लड़का, फिर आज के जमाने में जितना पैंट फटो हो उतना ही अमीर। हाँ, उल्टा जमाना, बड़ा अद्भुत जमाना। हमने पूछा ये फटे पेंट का क्यों चलन है, बोले गुरुजी लोग देखते हैं बड़े गौर से, हम का बिल्कुल ही ना पहने वो ही भरा देख है, किसी दूसरे को क्यों देखेंगे। हा? जब देखने के लिए फटे पेंट तुम पहन रहे बिल्कुल मत पहनो, बोले बाबा बने फिरो, सब तुम्हारे ही दर्शन करेंगे। हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कथा श्रोता को भारतीय परिधान पहनना चाहिए, 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, कथा की प्रथम आरती में आकर विराम की आरती में जाना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, भूमि यानी जमीन, भटा मठा इन सब का सेवन वर्जित है। असत्य वैसे तो कभी नहीं बोलना चाहिए पर 7 दिन तो गम खाओ, असत्य यानी झूठ, 7 दिन तो बोलो ही मत, क्रोध तो शत्रु भी आ जाए उससे भी हाथ जोड़कर सब में ठाकुर जी के दर्शन करना, ना जाने किस रूप में राम जी आ जाए, नारायण ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो सबसे हाथ जोड़कर बात करना, व्यास के प्रति ठाकुर जी का भाव रखना, व्यासस्य विष्णु रूपाय, ये कथा श्रोता के नियम। अब जरा वक्ता के भी सुन लो, कथा व्यास भी कैसा होना चाहिए ये भी भागवत में आया है, भागवत महात्म्य के 6वें अध्याय का 2वां श्लोक।
विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्यो निष्प्रह। कथा का वक्ता के नियम बताए गए। पहला नियम, विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब ज्यादा धन की लालच में ना पड़ता, वरना कथा कम करेगा, धन के बारे में ज्यादा बताएगा कि इतना चढ़ाओ तो इतना मिलेगा। इसलिए पहला लक्षण है कथा वक्ता का विरक्तो, विरक्त होना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं। संतोषम परमम सुखम, जो मिल जाए उसी में मुस्कुराए। दूसरा लक्षण क्या है? बोले वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव धर्म का पालन करता हो, मस्तक पर तिलक लगाता हो, कंठी माला पहनता हो, शिखा बड़ी हो उसकी, चोटी रखता हो, भगवान श्री हरि का उपासक हो, ठाकुर जी की उपासना करता हो, ऐसे वैष्णव के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। तीसरा लक्षण, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकारी। कई बार हम ऐसे मुख से कथा सुन लेते हैं जो कथा की पात्रता के लायक नहीं, इससे पुण्य छीन होते हैं। हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है अपात्र के मुख से कथा सुनने पर पुण्यों का छीन होता है। हाँ, विप्र होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हो गया हो 8 या 12 वर्ष के अंतर्गत, जिसे भगवान के बारे में अथवा भगवत कथा के बारे में पूर्ण निपुणता हो। तो वैष्णवो विप्रो, आगे वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र उसका शुद्ध हो, विशुद्ध ना भी हो तो शुद्ध तो हो, वरना जो स्वयं नहीं समझा वो तुम्हें क्या समझाएगा? हलुआ, खुद नहीं उसे पता तो तुम्हें क्या बताएगा? अब हमसे कोई पूछे, अच्छा महाराज बताओ छपरा बिहार कितनी दूर है, कौन कौन से शहर पड़ते, हम गए ही नहीं, तुम्हें क्या बता? तो जो पहुंच गया हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत है, क्योंकि विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद, ये कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है, उसका संधि विच्छेद करके जानता हो, ऐसे विद्वान के मुख से कथा सुनो। अगला वर्णन, दृष्टांत कुशलो धीरः, तो कथावाचक हो, समझाने में कुशल हो, दृष्टांत दे सके, समझा सके, वरना सीधी सीधी भागवत सुना दो मूड के ऊपर होकर जाए, चार छह जन है तो नींद ही आ जाए। हाँ, तो दृष्टांत कुशल होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीरः, धैर्यवान भी हो आजकल, वरना अब बुराई नहीं है, कथाओं की बहुत आवश्यकता है, एकदम धीर गंभीर होना चाहिए। एक जगह व्यासपीठ की महिमा लिखी है कि व्यासपीठ के बाहर वक्ता का हाथ नहीं निकलना चाहिए, निषेध है, इतना धीर गंभीर हो। धीरः वक्ता कार्यो निष्प्रह, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनने से कथा का संपूर्ण फल प्राप्त श्रोताओं को होता है। ये वक्ता के नियम है, हमने नहीं, भागवत ने ये नियम बतलाए। अब भागवत जी तो हमने लिखी नहीं है, भागवत जी तो वेदव्यास जी ने लिखी। अच्छा महाराज कथा कैसी हो? सामर्थ्य अनुसार, जितनी क्षमता। वरम तु कन्या विवाहे, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये, विवाहे यादृशम वित्तम, जितना विवाह में खर्च करने की सामर्थ्यता होती है वैसे ही विवाह हो जाता, उसी प्रकार कथा में भी जितनी सामर्थ्यता हो उतना खर्च करना चाहिए, और ऐसी कथा को श्रवण भाव पूर्वक करना चाहिए। बोलो वृंदावन विहारी।